नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डुमरियागंज में और हमारे साथ यहाँ के SHO भी इस बात में पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि COVID-19 और कोरोना वायरस, हाल ही में आप देख रहे हैं कि इस पूरे सिद्धार्थनगर में 208 एक्टिव केसेस पाए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ, कल शनिवार के दिन एक समाचार पत्र के द्वारा ये रिपोर्ट पहुँचाई गई कि 43 नए एक्टिव केसेस मिले हैं। इस बीच हमने ग्राउंड जीरो पर कोशिश करी कि हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। अगर आप हमारे पीछे कुछ गाड़ियां देखेंगे, यहां पर लोग जा जरूर रहे हैं लेकिन इनके पास मास्क नहीं है। आज पुलिस प्रशासन ने खुद ये कोशिश करी कि ये कई लोगों को रोके जरूर और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करें। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के SHO KD सिंह साहब और हम उनसे बातचीत जरूर करेंगे और जानेंगे कि आने वाले आगामी पंचायती चुनावों में भी क्या प्रयास रहेगा इनका और क्या कोशिश रहेगी, कितनी कोशिश करेंगे ये कि इस कोरोना वायरस और COVID-19 जैसी पैंडमिक सिचुएशन में ये यहाँ के माहौल में सावधानी के साथ, एक अच्छी भावना के साथ पूरी कोशिश करके यहाँ का माहौल नॉर्मल बनाए रहें। जी सर, कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए आम जनमानस को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगा के घर से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हाथ धोते रहें। जागरूक कराया जा रहा है दोनों तीनों चौराहों पर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं जिसके माध्यम से भी जनता को जागरूक किया जा रहा है तथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, चालान किया जा रहा है तथा जरूरतमंदों को मास्क वितरण भी किया जा रहा है। तो ये यहाँ के SHO साहब ने हमें बताया, हालांकि इनके हाथ में हमने एक माइक देखा जरूर और ये लगातार इस माइक से भी सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों को कि किस प्रकार से हम सावधानी जरूर बरतें, मास्क लगा के ही बाहर निकले। कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, आप सभी लोगों से अनुरोध है जब जरूरत हो सभी घर से बाहर निकले, अनावश्यक रूप से घूमे न, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे तथा समय समय पे हाथ धोते रहे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से इन्होंने अपनी सूचना लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, कल हम आपको दिन में लगभग 11 बजे के आसपास एक बार फिर से यहाँ से रिपोर्ट दिखाएंगे क्योंकि कोशिश हमारी ये है कि हम इस बढ़ते कोरोना क्रम को किसी प्रकार से रोके जरूर। KD सिंह साहब जो यहाँ के SHO हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता के साथ उनका सहयोग लेकर इस क्रम में कुछ कोशिश करके कोरोना वायरस और COVID-19 जैसी सिचुएशन पे काबू पाया जाए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आस्क रिकॉर्ड से, अगले अंक के लिए तैयार जरूर रहिएगा। धन्यवाद।